हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शरद सर हेल्पलाइन में। देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स इफ़। अब इन चारों में से कोई एक कंडीशन जो करेक्ट है वो हमें बतानी है। देखिए, इस इक्वेशन को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी मैं एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से किसी एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन इसका हो चुका है। देखिए, ये जो लाइन है ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो सेकेंड डिग्री की जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस इक्वेशन में दो लाइंस छिपी हुई हैं और उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला आपको पहले बताया था। वो फार्मूला है टेन थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखिए गाइज, अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स अभी तक कम्प्लीटली देखे नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर वन से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर फाइव तक के सारे प्रैक्टिस सेट आप एक बार देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस को डीपली स्टडी कर लीजिए ताकि उनमें यूज़ हुए सभी फार्मूलाज आपको पहले से पता हों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है और हमें उसके अकॉर्डिंग इनमें से कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर मुझे 90 रिप्लेस करना होगा। टेन 90 इक्वल्स टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और आप जानते हैं टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन ज़ीरो। राइट साइड विल बी सेम, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाएगा, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अभी आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसका न्यूमरेटर है ये तो ज़ीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपको जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी कंडीशन रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन आपसे मांगी जाती तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर एंगल थीटा की जगह 90 नहीं बल्कि 0 डिग्री रिप्लेस करना पड़ता। और टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और यहाँ बनता 0 अपॉन 1। तब क्रॉस मल्टीप्लाई होने से आपको आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो बन जाता 0 और न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाती अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। और वहाँ से आपको जो कंडीशन मिलती वो मिलती एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। तो नई कंडीशन आपके लिए हो जाती एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और ये कंडीशन किस बात के लिए है, जब आपकी लाइंस पैरेलल हों या कोइंसिडेंट हों। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको साथ में बता दिया है, उस टाइम पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना था वो होता ऑप्शन बी। तो अगर आपसे कहा जाए कि लाइंस पैरेलल होने के लिए या कोइंसिडेंट होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, तो जैसे हमने अभी प्रिपेयर की है, थीटा को ज़ीरो डिग्री रिप्लेस करके हमें ये कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो परपेंडिकुलर होने के लिए हो गई ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, और पैरेलल होने के लिए या कोइंसिडेंट होने के लिए हो गई कंडीशन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्स इज़। देखिए, अगर कोई एलिप्स आपके पास है और उस एलिप्स पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस दिए गए एलिप्स पर मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, फोर परपेंडिकुलर या फोर नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल मीन्स होता है देखिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दिए गए एलिप्स पर मैक्सिमम आप फोर नॉर्मल्स या फोर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हैं, हैंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एम ज़ीरो वन वन एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू वन ज़ीरो फाइव वन, देन फाइंड एम फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू बी। देखिए हमें जो कंडीशन मिली है वो मिली है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के साथ ही प्रोडक्ट किया जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब हो गया, देखिए ए इंटू ए, राइट साइड में बी मैट्रिक्स रखी जाएगी। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ लिख लूँ एम ज़ीरो वन वन और साथ में एम ज़ीरो वन वन, क्योंकि मुझे ए की प्रोडक्ट ए से ही करनी है, इक्वल टू बी मैट्रिक्स है हमारी वन ज़ीरो फाइव वन, तो इसके बाद देखिए क्या करना होगा, लेफ़्ट साइड में दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे और इनका प्रोडक्ट करके हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर ज़ीरो एम प्लस वन वन। ठीक है, राइट साइड विल बी सेम वन ज़ीरो फाइव वन। अब आप करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर, कंपेयर करके एक इक्वेशन मिलेगी आपको एम स्क्वायर इक्वल टू वन। देखिए यहाँ से ये एलिमेंट कंपेयर होगा और दूसरा आपका एम प्लस वन इक्वल टू फाइव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एम की वैल्यू आपको मिल रही है प्लस माइनस वन, और राइट साइड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एम की वैल्यू मिल रही है आपको फोर, और जो कि मैच नहीं कर रही है। अगर देखिए करेक्ट आंसर आपका आना होता तो यहाँ पर दोनों वैल्यू दोनों साइड से मैच करती, और ये वैल्यूज़ अगर मैच नहीं कर रही हैं इसका मतलब हम कहेंगे कि एम हैज़ नो रियल वैल्यू। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट एम हैज़ नो रियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैक्टर से रिलेट करता है ये। यहाँ बोला गया है इफ़ वैक्टर ए इक्वल टू वैक्टर बी, एक्चुअली में ये मोड है, इनका मैग्नीट्यूड है, मोड वैक्टर ए इक्वल टू मोड वैक्टर बी इक्वल टू वन, एंड मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी की वैक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वन है। देन इन चारों में से जो करेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों वैक्टर्स के बीच में, ए और बी के बीच में, वो हमें सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से अगर देखें ऑप्शन ए को, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ पैरेलल लिखा है, और यहाँ पर लिखा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं वो इनके बीच में एंगल्स की बात कर रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि एंगल का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करना चाहिए, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का अलग अलग दोनों का मैग्नीट्यूड है। चलिए अब देखिए जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू भी हमें वन दी गई है और डिनोमिनेटर में इन दोनों की अलग अलग वैल्यू भी वन है, तो वन इंटू वन, फाइनली ये वन ही बन जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू अगर वन है इसका मतलब ये वैल्यू है साइन 90 डिग्री की, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एंगल मिल जाता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों वैक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी तक कम्प्लीटली नहीं देखे हैं तो देखिए वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो प्रैक्टिस सेट की मैंने 5 वीडियो इससे पहले ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और आज ये 6ठी वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 की 6 वीडियो आप कम्प्लीटली देख लीजिए ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होता है पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, वो फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी किसी और प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ वो आने वाले प्रैक्टिस सेट के किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको टॉपिक वाइज थ्योरी की अलग अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका टीजीटी पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। बस आपको करना यह है कि हमारे चैनल को लगातार फॉलो करना है और जो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल पर अपलोड की जाती है उसको कम्प्लीटली फुल्ली उस वीडियो को देखना है। और एक और विनती आपसे हाथ जोड़कर मैं करना चाहता हूँ, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक भी किया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी किया करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइंड के फॉर विच द लाइन एक्स माइनस फोर अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस के अपॉन टू लाइज इन द प्लेन टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन।
देखिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये के है, अननोन कांस्टेंट है, और कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन की इक्वेशन लिखी है ये लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, मतलब जैसे ये प्लेन है, एक पेज है, इस पेज पर ये बहुत सारी लाइन बनी हुई हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक किसी एक लाइन की हमें इक्वेशन मिली हुई है और ये प्लेन की इक्वेशन भी हमें ये वाली मिली हुई है, और बताया गया है कि ये लाइन इस प्लेन पर लाई कर रही है, ठीक है, और इस कंडीशन को यूज़ करके हमें इस कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, x माइनस फोर अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस के अपॉन टू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में एक अननोन कांस्टेंट लेते हैं, मान लीजिए एम ले लिया, और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाई वन देखिए, सबसे पहले इस रेशियो को एम के साथ रखेंगे, एम के इक्वल में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू एम प्लस फोर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस रेशियो को एम के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा वाई इक्वल टू एम प्लस टू, और तीसरा हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू 2m प्लस के। आप चेक कर लीजिए, देखिए जब इसको इसके सामने रखा जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, m बन जाए m, और ये माइनस फोर शिफ्ट हो जाएगा प्लस फोर, देखिए ये बन गया m प्लस फोर, और ऐसे ही हमने इनको कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअली में देखिए ये हुआ क्या है, ये एक्स वाई जेड जो हमें तीन कोऑर्डिनेट मिले हैं, असल में ये तीनों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो इस लाइन पर लाई करता है। और क्या बने हैं देखिए कोऑर्डिनेट, ये बने हैं m प्लस फोर कॉमा m प्लस टू कॉमा 2m प्लस के, ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करता है, क्योंकि हमने इस लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके इनको कैलकुलेट किया है। अब क्योंकि बोला गया था कि ये लाइन इस प्लेन पर लाई करती है, और जब पूरी लाइन इस प्लेन पर लाई करेगी तो उस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी इस प्लेन पर लाई करेंगे, तो हम इस पॉइंट को इस प्लेन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, टू इंटू जहाँ एक्स है वहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आएगा, माइनस फोर इंटू वाई की जगह पर भी वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और प्लस जेड यहाँ पर जेड की वैल्यू आ जाएगी ये वाला, और इस राइट साइड में है आपका सेवन। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ रिप्लेस करना है, तो ये आ गया एम प्लस फोर, नेक्स्ट हो गया आपका एम प्लस टू, और नेक्स्ट हो गया आपका टू एम प्लस के, ठीक है। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे आपने इस प्लेन की इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, और हमने कर दिया। बस आप कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 2m प्लस फोर माइनस फोर एम माइनस एट प्लस टू एम प्लस के इक्वल टू सेवन। तो देखिए ये क्या हुआ, 2m और 2m दोनों मिलके 4m से, ये 4m कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, और ऐसे ही आपका देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आपका क्या बचता है, लेफ्ट साइड में k और राइट साइड में 7, तो फाइनली आपको k की वैल्यू मिल जाती है 7। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप गाइस कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।